हेलो नमस्ते रारियास। सो आज भी एक ब्लॉग है। आज हम लोग एक प्लेस में जा रहे हैं। वो प्लेस का नाम है जूना महल। ये लाइक नवी मुंबई ऐसे है ना, इधर डूंगरपुर, ओल्ड डूंगरपुर है। सो हम लोग डूंगरपुर में रहते हैं, अभी ओल्ड डूंगरपुर पे जा रहे हैं। उधर है ये जूना महल। सो उधर जाके हम लोग दिखाते हैं। कल हम लोग शाम को आए थे, आई मीन जो बैक वीडियो में है डाला हुआ, कल ने बैक वीडियो में डाला हुआ फिश को खाना देने को आए थे ना, वो वाला केस। ये है ओल्ड डूंगरपुर, हम लोग पहुंच गए। फूल मार्केट ही है और छोटे छोटे गलियां। देखा बट कैमरा में कैच करने को हुआ नहीं क्योंकि चिल्ला रही थी वीडियो लो तो पादे रहने हो मतलब सबसे पादे मॉडल पहुंच गए और ये है महल, आई मीन महल ये नहीं, महल के बाहर महल ये है। अंदर जाना है यहाँ से और ये ऊपर से दिखने वाला पूरा व्यू है। ये देखो चलो अंदर जाते हैं अभी। टिकट लगता है बट वो यहाँ से नहीं निकालने का है, एक पहाड़ के उधर बोला। तो हम लोग को बोला कि अभी तुम लोग इधर डायरेक्ट, मतलब बहुत दूर है यहाँ जिधर आए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इधर ही आ गए। तो इधर अभी डायरेक्ट आए तो हम लोग को बोला कि तुम लोग यहाँ से टिकट निकालो, हम लोग उधर बता देंगे। सो हम लोग अभी इधर आ गए। सॉरी तुम लोग को बता देती हूँ पूरा महल। एंट्री करने जा रहे हैं। एक्चुअली शायद इधर कोई ज्यादा आता नहीं है, किसी को ज्यादा पता नहीं है। अयो इतना बड़ा बड़ा स्टेप्स है। मीटिंग हॉल। अच्छा पेंटिंग
या कॉन्फ्रेंस मीटिंग होता था। वाओ यहाँ से व्यू। अंकल ये कितने साल पुरानी महल है? 722। अच्छा, ये सिटी का मंदिर है और ये आस का मंदिर बना हुआ है ऊपर गुंबद। जा सकते हैं? ओके। ये पहले मंदिर था और ये सब कांच का बनाया हुआ है जो अभी निकल गया। ये पहला मिनिस्टर ऑफिस था, जैसे कि खजाना रखने के लिए ट्रेजरी हाँ। तोशा खाना बोलते हैं। तोशा खाना। ओके। ये ऑफिस था और इसमें सब खजाना रखा गया था। अपने अंदर लाइट नहीं है। और ऊपर आई, बहुत ऊपर है। उधर क्या है? ये क्या? कौन सा रूम है? ये ओनली महारानी का हॉल है। अच्छा, ठीक है। इसके अंदर जो पेंटिंग है वो 300 और 400 साल के अंदर पुरानी पेंटिंग है। ओके। वो महारानी का झूला रूम है, बढ़िया व्यवस्थित है, आराम से फोटो खींचो, ठीक है। हाँ हाँ, वीडियो बनाओ। ओए, ये पूरा कांच है। कांच का ही है। महारानी का झूला रूम है, झूला झूलने का। ये चांदी के झूले थे इसके अंदर। पूरा कांच का बना हुआ है ये रूम और महारानी का झूला झूलने का, सिर्फ झूला झूलने के लिए ये रूम है महारानी का। वाह। कितना मस्त है, पूरा सिटी दिख रहा है यहाँ से। क्या मजा करती रही रानी। किसका वर्क? ये पूरा पेंटिंग है, वर्क पूरा 300 साल पुराना है। बहुत अच्छी पेंटिंग है। अच्छा, गोल्ड का है ये पेंटिंग, पूरा गोल्ड का पेंटिंग है।
ओके ये महारानी का बेडरूम था और ये उनका शोरूम। वाह बहुत मस्त है। कितना मस्त जी है। गॉड बहुत ऊपर आ गए हम लोग। ये ऊपर देखो, ये देखो मम्मी मिरर। महारानी का बेडरूम बाथरूम तो इसमें ही था। ताकि यह फोटो ये कौन सा है? ये मेरे को मिल गया। वो जा रहा हूँ। डोर भी देखो कितना मस्त है। ये प्लेट्स है चाइनीज प्लेट। हाँ चाइनीज प्लेट। ये पूरा घोड़े का इस्तेमाल है पीछे हाथी वगैरह लेने के लिए। पहले इधर से एंट्री था। ये ट्रिप के लिए बोलते हैं। इधर तीन पोल है। ओके इधर फूल एलिफेंट और हॉर्स का जगह था। ये पूरा नीचे नाइस। 20 साल से बंद है। 20 साल पहले बंद। अच्छा 20। ये कौन सा रूम है? ये महारानी का मेकअप रूम है। ओके हाँ पूरा कांच ही है। ये महारानी का मेकअप रूम है। ये फुल महारानी का रूम है। पूरा कांच ही कांच है। महारानी तो बहुत मस्त ही दिखती थी। फिर नीचे नहीं ऊपर भी कितना अच्छा वॉक किया है। चलो बाय बाय मेकअप रूम। ये सब महाराजा रानी महाराजा लोग जब मीटिंग करते थे कॉन्फ्रेंस उनका वो पिक है ये।